जनपद जालौन की कोतवाली पुलिस द्वारा 15,000 के इनाम वांछित अभियुक्त को स्वार्ड व सर्विलांस टीम की मदद से उरई कोतवाली क्षेत्र के नया पाठकपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने खुलासे में बताया कि आज स्वार्ड व सर्विलांस टीम की मदद से उरई कोतवाली पुलिस द्वारा नया पाठकपुरा से पुरुषोत्तम उर्फ मुन्नू सक्सेना पुत्र सुखनंदन निवासी नया पाठकपुरा कोतवाली उरई को गिरफ्तार किया गया है। यह अपराधी पहले भी कई आपराधिक मामले जैसे लूट हत्या के प्रयास में संलिप्त रहा है। उक्त अभियुक्त के खिलाफ राहुल राजपूत पुत्र रघुनाथ राजपूत निवासी बघौरा कोतवाली उरई के द्वारा 4 मई 2019 को चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी एवं चोरी किए हुए जेवरातों की बरामदगी नहीं हो पाई, जिसके संबंध में पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई को निरंतर किए हुए थे, लेकिन बदमाश प्रकृति के चलते उक्त अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थान बदलता रहता था, जिसके चलते उक्त युवक पर गिरफ्तारी के लिए 15,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको आज दिन रविवार 10 नवंबर 2019 को मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर स्वार्ट व सर्विलांस टीम की मदद से कोतवाली पुलिस टीम ने नया पाठकपुरा से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से 2 बंडल बैरल बंदूक की बरामद की गई। क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण? आज पुरुषोत्तम उर्फ मल्लू सक्सेना को उरई पुलिस की टीम ने सर्विलांस स्क्वाड मिल करके गिरफ्तार किया। इसके घर से जिसके पास से 2 BBL 50 गन बरामद हुई है। एक जो BBL गन है वो बघौरा से चोरी हुई थी मई के महीने में, वो बरामद हुई है। दूसरी DBBL गन जो बरामद हुई है उसके बारे में अभी पता किया जा रहा है कि किस मुकदमे से या संबंधित है, किसकी है, उसका अभी पता नहीं चल पाया है। और ये सादिक किस्म का अपराधी है, इस पर लूट के भी मुकदमे हैं, 307 के भी मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास का, चोरी के कई मुकदमे हैं, कुल 9 मुकदमे इसके ऊपर हैं। रजिस्टर भी लगा था कोतवाली उरई से, गुंडा की भी कार्रवाई हुई है और इस बार इस केस में डबल बैरल के साथ बार। सर इसके ऊपर कुछ इनाम भी रखा हुआ था? हाँ, 15,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। काफ़ी प्रयास किया जा रहा था, नहीं मिला था, तो 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है इसके। जालौन से UP24 न्यूज़ के लिए मनोज शिवहरे की रिपोर्ट।